हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिसर्च फैक्ट। दुनिया में कितनी ही मशहूर अच्छी पेंटिंग हो, लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग के आगे कोई पेंटिंग टिक नहीं पाती। म्यूजियम में कई पेंटिंग क्यों होती हैं? म्यूजियम में कोई भी पेंटिंग क्यों ना हो, लेकिन सभी की नज़र मोनालिसा की पेंटिंग पर ही होती है। मोनालिसा न केवल एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में एक रहस्य है, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इस रहस्य को जानने के लिए काफी पेंटर्स व लोगों ने इस पर काम किया, लेकिन इसका सच पता नहीं लग पाया। 500 साल पहले पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने इसे बनाया था। इस पेंटिंग की मुस्कान को लेकर कई तरह के रहस्य सामने आए हैं। कहा जाता है कि इस चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग अलग एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीमे धीमे फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो यह पूरी तरह खत्म हो जाती है। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। इस पेंटिंग के साथ कई और तरह के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम आपको आज बताने जा रहे हैं। 23 जून 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मेसपेरो ने पेरिस के एक होटल से छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। उसने कई सालों तक उसका इंतजार किया। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर व फ्लावर मिलते थे। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे भी लव लेटर छोड़कर जाते थे। माना जाता है कि इस पेंटिंग के लिए जिस महिला को चित्रित किया गया था, उसके अंदर कई तरह के राज छुपे हुए थे, इसलिए यह पेंटिंग भी इतनी रहस्यमय है। शायद यही कारण है कि आज तक इस पेंटिंग की मुस्कान भी एक रहस्य है। रिसर्च के दौरान एक डॉक्टर ने कहा था कि मोनालिसा के ऊपरी दांत टूटे हुए थे, जिस कारण उनके ऊपरी होंठ अंदर से दबे हुए थे। यही कारण है कि हर एंगल में उनकी स्माइल दिखती है। वहीं हार्वर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गेट ने कहा कि मोना की स्माइल नहीं बदलती, यह हमारे दिमाग की सोच है। हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखाई देता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मोनालिसा की पेंटिंग 14 साल के लंबे वक्त में बनी थी। लियोनार्डो डा विंची इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल का पूरा समय लगाए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग के होंठ बनाने में ही उन्हें 12 साल का लंबा वक्त लगा था। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ लेयर्स इंसानी बालों से भी ज़्यादा बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन काफ़ी छोटी है। यह 30x21 इंच की है। इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट करके बनाया गया था। आपको बता दें कि यह पेंटिंग पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन रिसलू म्यूजियम पेरिस से चोरी होने के बाद यह काफ़ी फेमस हो गई। 21 अगस्त 1911 को इस बड़े म्यूजियम में पेंटिंग चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद इसकी चोरी का शक पेंटर प्लाबो पिकासो पर लगा। उनसे काफ़ी पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया था। इसकी चोरी के एक हफ्ते बाद तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया कि कहीं म्यूजियम के अंदर ही तो यह पेंटिंग नहीं है। काफ़ी खोज के बाद यह पता चला कि म्यूजियम के ही एक कर्मचारी ने इस पेंटिंग को चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह पेंटिंग इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रहने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया। वहीं म्यूजियम के कर्मचारी विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई, लेकिन इटली के लोगों ने उनकी देशभक्ति के लिए उनका स्वागत किया। कहा जाता है कि लियोनार्डो के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेलजी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेओ दे प्रांत में रखी गई। सन 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों वो बॉडी पोजीशन असली पेंटिंग की तरह है। इसे मोना वाना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। अब हमने जिस मोनालिसा के विषय में इतनी चर्चा की, आइए जानते हैं कि वो महिला थी कौन। लियोनार्डो डा विंची पेंटर होने के साथ खुद एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया कि यह महिला कौन थी जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। स्कॉलर्स का मानना है कि यह पेंटिंग लिस घेरादिरनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार बदला गया, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इसके बाद पेंटिंग को
काफी लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था। उसके बाद इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। बावजूद इसके भी एक महिला ने इस पेंटिंग के ऊपर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।